हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में जो कक्षा 12 के लिए जो टॉपिक होने वाला है वो है पोस्टर। आज का टॉपिक है पोस्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बात कर रहे हैं हम पोस्टर। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? पोस्टर की। ठीक है, तो जो पोस्टर है, जैसे मतलब नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है, पोस्टर क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब सुसज्जित करके और उसका एडवर्टाइजमेंट, एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट की तरह ही होता है, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको सुसज्जित किया जाता है, जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्या करें? लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके लिए पोस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ द पोस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पोस्टर। क्लियर है? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन। मीन्स परिभाषा। सो यू नो व्हाट इज द पोस्टर? ओके, आई विल टेल यू द What is the poster? Poster is a large colored paper sheet with powerful picture. क्या होती है? A poster is a large colored paper sheet with powerful powerful visuals and communication printed on it. यानी ये ऐसा एक ऐसा कलर्ड पेपर होता है जिसमें क्या है कि कुछ पावरफुल चित्र बने होते हैं और कुछ कम्युनिकेशन यानी कुछ वर्ड्स उसमें लिखे होते हैं, जिससे कि अट्रैक्टिव बन जाता है और लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो ये एक मतलब कला होती है। और आजकल स्टूडेंट्स की हम तक बात करें तो स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में लिख लेते हैं, पेपर से भी लिख लेते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? तो वर्तमान में बात करते स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स यूज पेपर सीट भी करते हैं, पेपर ये चीजें चाहिए हमको ये करने के लिए। ठीक है, कलर्स विजुअल्स एंड वर्बल्स, विजुअल्स एंड वर्बल्स, ये सारी चीजें इसमें आजकल के स्टूडेंट यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये होता है पोस्टर, मतलब कि एक ऐसा कागज का एक ऐसा रंगीन नमूना जिसके पत्र जिसके ऊपर कुछ शक्तिशाली चित्र और कुछ भाषाओं में कुछ लिखा हुआ होता, कुछ शब्द उसमें लिखे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये जो होता है इसका प्रारूप, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? चलिए, तो ये तो हो गई डेफिनेशन आपके लिए, परिभाषा रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसका फॉर्मेट कैसा क्या होता है, फॉर्मेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है वो आपको बता देते हैं। एक बार वैसे क्या है कि इसका मतलब कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, इसका क्या है कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, फिक्स फॉर्मेट नहीं
अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो परीक्षाएं होती हैं अपनी, परीक्षा के हिसाब से जो मतलब हमको जिस तरीके का फॉर्मेट पढ़ना चाहिए वो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। वैसे मतलब स्पेशल इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है, एग्जामिनेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले उसकी जो थीम होती है ना, मतलब जिसे हम टॉपिकल और थीमेटिक लाइंस यानी किस थीम पे ये चीज लिखी जा रही है, टॉपिक उसका जो है किस टॉपिक पे, वो चीज सबसे पहले इसमें लिखी जाती है कि कौन सी चीज के बारे में हम पोस्टर तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज, उसके बाद सेकंड पे, पहली चीज तो क्या गई आपकी, इसका जो टॉपिकल लाइंस है और जो थीमेटिक लाइंस है वो हम लिखते हैं, क्लियर है। उसके बाद में जैसे पिक्चर्स की, इसमें विजुअल्स की अगर जरूरत हो तो वो भी यूज करेंगे, चित्र वगैरह बनाने की जरूरत हो तो वो यूज करते हैं, पावरफुल विजुअल्स यानी कि अगर उसमें कोई जरूरत है तो आप पावरफुल विजुअल्स यानी कि कोई भी मतलब ये कह सकते हैं हम कि पावरफुल कोई भी चित्र वगैरह उसमें बना देंगे, क्या बना देंगे इसमें हम, प्रभावी कोई दृश्य उसमें बना देते हैं। उसके बाद में पर्पस फॉर एंड और ओकेजन ऑफ द पोस्टर, क्योंकि पोस्टर उसका उद्देश्य क्या है, या तो उसका उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य की बात करते उद्देश्य, या फिर किस अवसर में लिख रहे हैं तो वो अवसर, ठीक है। कोई घटना के संबंधित जो अवसर है वो कोई भी इवेंट है उसका ओकेजन क्या है, या तो उसपे हम लिखेंगे, ठीक है। और ओकेजन ऑफ द पोस्टर, क्लियर है, या तो पोस्टर का ओकेजन होगा भाई किस अवसर पे हम पोस्टर तैयार कर रहे हैं, या फिर उसका उद्देश्य होगा किस उद्देश्य के लिए हमने पोस्टर तैयार कर रहे हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो पहला टॉपिक है, दूसरा पावरफुल यूजर्स, तीसरा पर्पज फॉर एंड ओकेजन ऑफ द पोस्टर, क्लियर है। चलिए उसके बाद या डेट, वेन्यू एंड टाइम, दिनांक, स्थान और समय, लेकिन ये किस चीज में लिखे जाएंगे, इन केस ऑफ एनी इवेंट, अगर कोई इवेंट किया जा रहा है, कोई भी मतलब प्रोग्राम रिलेटेड कोई चीज की जा रही है, तो उसके लिए डेट, वेन्यू और टाइम भी इसमें लिखा जाना चाहिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद में इफेक्टिव वर्डिंग्स और अपील, भैया हम यहाँ पे किसी से अपील कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्रभावशाली वर्ड होने चाहिए भाई, या तो हम किसी को अपील करेंगे, या किसी को वार्न करेंगे, या किसी को अवेयरनेस के लिए यानी कि किसी को जागृत करने के लिए करते हैं भाई, चाहे तो हम अपील करें, चाहे वार्न करें, चाहे किसी को जागरूक करें, ठीक है, या फिर किसी के लिए हम कोई क्वेश्चन करें या इनविटेशन करें, क्लियर है। क्वेश्चन या इनविटेशन, तो उसमें जो आपके शब्द होने चाहिए, क्या किसी को इनवाइट करने के लिए पोस्ट लिखना चाहिए, किसी कोई अपील करने के लिए लिखना है, किसी को वार्न करने के लिए, इसको अवेयर करने के लिए लिख रहे हैं, किसी से सावधान क्वेश्चन करने के लिए उसके लिए लिख रहे हैं, तो कोई भी कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं, तो हमारी जो वर्डिंग्स हैं
हमारी जो शब्दावली है वो बड़ी ही प्रभावशाली होनी चाहिए, ठीक है? क्या होनी चाहिए? बड़ी ही प्रभावशाली होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करें, कुछ स्लोगन्स लिखें। क्या करें? कुछ स्लोगन्स लिखें। जो स्लोगन्स हम लिखे वो बड़े ही कैची कैची से मतलब, या फिर कुछ कैप्शंस उसमें लिख सकते हैं। स्लोगन कैप्शन से मतलब यहाँ पे हम जैसे स्लोग टाइप कुछ होता है ना, तो उस प्रकार की कुछ लाइंस लिख दें स्पेसिफिक में उसको, लेकिन कैसे होगी? कैची कैची मीन्स आंखों को आकर्षित करने वाली, देखते ही हम उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, इस प्रकार की वो होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद ये हो गया। इसके बाद इसकी जो फाइनल चीज होती है वो क्या होती है? नेम, जो मतलब उसको इश्यू कर रहा है, इश्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंडिविजुअल का नेम, ठीक है? नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इश्यू कर रहा है उसका नाम, या फिर नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। अब ये थोड़ी ना है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई मतलब किसी संस्था के द्वारा ही किया जाए, कोई व्यक्तिगत रूप से भी इसको इश्यू कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये सारी की सारी चीजें हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? अब इसकी कुछ नोट पॉइंट्स हैं। नोट पॉइंट्स आप ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज 50 शब्दों से कम, क्या रहेगा? 50 शब्दों से कम। दूसरा, बॉक्स में बंद करना है, क्या करना है? बॉक्स में बंद करना है। और तीसरी चीज जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब आकर्षक होना चाहिए। तो ये चीजें जो है बड़ी ही विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखो, बॉक्स में बंद होगा, 50 शब्दों से कम में होना चाहिए, क्लियर है? और ये सारी चीजें आपको इसमें लिखते हुए ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले उसकी जो थीम है, उसकी जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड लाइंस लिख देंगे। फिर कुछ उसमें पावरफुल विजुअल्स यानी कुछ प्रभावशाली जो दृश्य है वो बना देंगे, चित्र बना देंगे, कुछ भी पर्पज फॉर एंड और ओकेजन ऑफ द पोस्टर। ये पोस्टर हम जो लिख रहे हैं उसका हमारा पर्पज क्या है, उसका हमारा उद्देश्य क्या है, और या फिर किस ओकेजन पे लिख रहे हैं, दोनों में से दो भी चीज़ हम वहाँ पे हो सकती है। क्वेश्चन में कोई किसी ओकेजन पे भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं, किसका पर्पज भी हो सकता है। फिर डेट वेन्यू एंड टाइम, यानी कब, अगर हम किसी इवेंट पे लिख रहे हैं, इवेंट वाले केस में डेट वेन्यू एंड टाइम भी लिखा जाता है। वैसे अगर हम किसी से अपील कर रहे हैं तो उस केस में हमको ये नहीं लिखना होता है, क्लियर? इफेक्टिव वर्डिंग्स की जहाँ तक बात करूँ तो जो वर्बल इनपुट्स हैं हमारी, ये बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, बड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए। हम किससे को, मतलब कोई अपील कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं, कोई प्रभाव के साथ कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारा प्रभाव लगना चाहिए कि इंसान सुनते ही ऐसा लगे यार वास्तव में सही कह रहे हैं, डर है इसमें। जागरूकता ला रहे हैं तो उसमें भी ऐसी बात होनी चाहिए कि तुरंत सुनते ही बंदे के दिमाग में घंटी बज जाएगी, हाँ यार ये चीज़ तो सही है, भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सावधान कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो भी इसी प्रकार से हो कि बंदा हाँ सही है, किसी चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हैं मतलब मना करने की गुंजाइश, इस पर गुंजाइश कोई नहीं, इस प्रकार से इसको प्रभावशाली करके हमको क्या करना है, तैयार करना होता है, क्लियर है? फिर इसमें जो स्लोगन्स वगैरह हम लिखते हैं, जो कैप्शंस हम लिखते हैं, वो बड़े ही कैची होने चाहिए, बड़े मतलब देखते ही लुभावने लगने चाहिए। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन को इश्यू कर रहा है, इश्यू बाई करके उसका नेम लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर इंडिविजुअल जो भी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो रख करता हूँ मैं।
हमसे गड़बड़ क्या होती है भाई, हमसे गड़बड़ ये होती है कि जैसे पूरा पेज है तो इधर तो यहाँ लाइन खींचेंगे उधर यहाँ, तो उससे क्या भद्दा सा होता है। इसके लिए हमको करना क्या होता है, पहले ही हम पेज पे एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार करते हैं भाई, जैसे ये वाला मैंने कर लिया यहाँ पे, ये लाइन हमने खींच दी, तस्वीर है और क्लियर है। तो हम यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि भैया लगभग दोनों ही साइड अप्रोक्सीमेटली, यानी मैं फिक्स तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्केल है नहीं जिससे मैं यहाँ पे लाइन सीधी खींच सकूँ, आप लोग एग्जाम में स्केल रखते हैं तो आप सीधी खींचेंगे, ठीक है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा मतलब ये जितना अच्छा लगेगा उतने ही अच्छे हमको नंबर भी ये दिलवाएगा, बस मेन चीज़ है कि ये अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा दिखेगा उतने ही नंबर अच्छे आएंगे, क्लियर। ये हुआ, अब करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो टॉपिकल लाइंस है, टॉपिकल लाइन या लाइंस टी ओ पी आई सी ए एल टॉपिकल एल आई एन ई लाइन या लाइंस, भी जरूरी थोड़ी एक लाइन में टॉपिक हो जाए, दो लाइन में भी हो सकता है, ये हो जाएगा। फिर मैंने उसके बाद उसमें क्या बताया, फॉर्मेट में कुछ विजुअल्स, पावरफुल विजुअल्स यूज करने हैं, क्या करने हैं, विजुअल इनपुट्स यूज करने हैं इसमें, अगर कुछ है तो आपको इनपुट्स विजुअल इनपुट की जरूरत है तो आप कीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। उसके बाद वर्बल इनपुट्स हम इसमें दे देते हैं, क्या दे देते हैं, उसके बाद में वर्बल इनपुट्स वो तो देने ही देने हैं, उसमें इफ एनी वाला केस होता ही नहीं है, वर्बल इनपुट्स हम डाल देते हैं और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, अंत में यहाँ पे स्ट्रिंग क्वालिटी का नेम आ जाता है, जो भी इशू कर रहे हैं उनका नेम, फिर इसको अपन बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से बस ये चार पॉइंट है इसमें, पहले टॉपिकल लाइंस, फिर विजुअल इनपुट्स, फिर वर्बल इनपुट्स और इशू बाय, बस ये चार चीजें आपको करनी है, आपका पूरा पोस्टर तैयार हो जाता है। बट शुड बी अट्रैक्टिव, क्या कहा मैंने, इट शुड बी अट्रैक्टिव, ये बड़ा ही लुभावना होना चाहिए, यानी ये देखते ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार इट इज़ टू गुड, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगना चाहिए, ओके। चलिए तो ये हुआ, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं उसका फिर आंसर लेते हैं। Encourage people to save girl child, भाई किस लिए है ये, गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए, ठीक है। और लिखना हमको कितना है भाई, इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में हमको ये तैयार करना है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमको क्या करना है भाई, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका फॉर्मेट तैयार,
पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सेव द गर्ल चाइल्ड। क्या करना है मेरे को, सेव गर्ल चाइल्ड। तो इसको मैं जैसे लिखूंगा भाई, थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स में लिखता हूं। कैपिटल के साथ थोड़ा सा इसको बोल्ड भी रखूंगा मैं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ, और कैपिटल तो रखना अनिवार्य है ही। सेव गर्ल चाइल्ड, क्लियर है। बोल्ड भी है और कैपिटल भी है, सेव गर्ल चाइल्ड। फिर हमको क्या करना है, जैसे भी हम बना सकते हैं तो यहाँ यहाँ बीच में हम क्या बना देंगे, ये माता जी मैंने यहाँ पे नाम दिया, तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, पिक्चर ऑफ ए बेबी, पिक्चर ऑफ अ बेबी, एक बच्चे का चित्र मैं यहाँ पे बना दूंगा। और इसमें मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, बस बना दूंगा बेबी का चित्र, तो लगे भाई हाँ ये लड़की है। फिर मैंने क्या करना है, जैसे एक स्लोगन इधर लिखूं, एक स्लोगन मैं इधर लिखूं, ठीक है। तो कैसे लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, लिटिल गर्ल्स आर छोटी लड़कियां क्या होती हैं, स्वर्ग का फूल होती हैं। क्या होती हैं छोटी लड़कियां, स्वर्ग के फूल के समान होती है, क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। चलिए मैं इसको ये नहीं भी करता हूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये भी हो गया, फिर ये भी अगर ऐसे ही लगता है तो ठीक नहीं लगेगा, नहीं मैं इसको हटा देता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये तो भी दिन है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ और मैं यहाँ पे भी स्टार बना, क्लियर है, थोड़ा ठीक लगेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे एक यहाँ हो गया, एक उधर और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। गर्ल्स आर पल्स सेव देम, गर्ल्स आर पल्स सेव देम, गर्ल्स आर पल्स सेव देम। तो यहाँ पे भी मैं वही कर देता हूँ भाई, कि लड़कियां क्या है मूर्ति के समान है उन्हें बचाइए, लड़कियां क्या है मूर्ति के समान है उन्हें बचाइए, ठीक है। तो मैंने एक कोटेशन, एक स्लोगन इधर, एक स्लोगन इधर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आवर डॉटर इज नॉट, और डॉटर इज ए नॉट दैट टाइज टू फैमिली। ये तो क्लियर बात है, हमको सबको पता है कि हमारी जो बच्ची होती है, हमारी जो लड़की होती है ना, वो क्या होती है, एक
गांठ होती है जो दो परिवारों को क्या करती है, एक साथ बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। ठीक नहीं लग रहा है वो लिखा उसको। हमारी जो बेटियां होती है वो एक ऐसी गांठ के समान होती है जो दो परिवारों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, लड़कियां क्या है वो फूल है जो हमेशा क्या करते रहते हैं, महकते हैं। यानी कि लड़कियां एक ऐसा फूल होती हैं जो हमेशा क्या करती रहती हैं, महकती रहती हैं। क्या करती रहती हैं, हमेशा महकती रहती हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक और कोटेशन लिख देता हूँ, जैसे अच्छा सा कोई। जीरो क्या करता हूं मैं, बताओ विदाउट हर ही इज जीरो। और मैं क्या करता हूं, ऐसे थोड़ा आकर मतलब डिजाइन सा बना के उसको क्लोज कर देता हूं, जिससे कि ये और भी अच्छा लगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब और लिख देते हैं। तो अब हमें करना क्या है भाई, थोड़ा सा हम सजेस्ट भी कर देते हैं। तो बच्चियों को मतलब यूज करिए, उनका पोषण करिए, उनको शिक्षित करिए और उनसे प्रेम करिए। ओके, लड़की से प्रेम करो, उसे पोषण दो, शिक्षा दो और साथ ही साथ उसे प्रेम भी दो। ये रहिए चीज़ें तुम्हें करनी है। ड्यूरिस एजुकेट एंड लव द गर्ल चाइल्ड। अब जिसने संस्था ने इश्यू किया है उसका हम लिख देंगे इश्यूड बाय। क्या करेंगे, इश्यूड बाय, यहाँ मैं जैसे लिख दूँ भाई, ये हो गया। अब जैसे लड़कियों से संबंधित है तो कौन कर सकता है, गर्ल सेफ्टी मिशन
ठीक है ओके। ये भी अब यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, तो सारी चीजें यहाँ आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ड्राफ्ट पोस्टर टू एनकरेज पीपल, एनकरेज यानी उत्साहित करना, टू सेव गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को सेव करने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए आपको लगभग 50 शब्दों में क्या लिखना है, एक पोस्टर लिखना है। क्लियर? टॉपिक क्या हो गया? सेव गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड। अब ये तो क्या हो गया सर, टॉपिकल हो गया। टॉपिकल के बाद में क्या था? विजुअल इनपुट्स इफ एनी, तो बना सकते हैं हम यहाँ पे किसी बेबी का पिक्चर बना देंगे, लड़की हो गई वो। क्लियर? उसके बाद फिर वर्बल्स में आ जाते हैं। अब वर्बल्स में भी जैसे मैंने आपको बताया था, स्लोगन्स वगैरह का यूज करना है। विजुअल्स हो गए हमारे, विजुअल्स के बाद में कोई पर्पज क्या है लिखने का, लड़कियों को बचाना, लड़कियों को बचाना, ये हमारा पर्पज हो जाता है। ठीक है, डेट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इवेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, अवेयरनेस के लिए लिखा जा रहा है। किसके लिए लिखा जा रहा है? अवेयरनेस के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर इफेक्टिव वर्डिंग्स आ जाती है आपके लिए, ये वर्बल इनपुट में आ जाता है सारा। इफेक्टिव है सारे यार, कि भाई लड़कियां को क्या बताएं, लड़कियां एक स्वर्ग के फूल के समान होती हैं, लड़कियां मोटी हैं उन्हें बचाइए। फिर ये एक अच्छा कोटेशन है कि जो लड़कियां हैं वो एक ऐसा बंधन होती है, एक ऐसी गांठ होती है जो दो परिवारों को आपस में बांध के रखती है, और ये क्या है, एक ऐसा फूल होती है जो हमेशा महकता रहता है। ही थिंक्स ही इज हीरो बट विदाउट हर ही इज जीरो। ये कुछ लाइन्स हैं ऐसी जो हम यूज करके और हमारे इस पोस्टर को अच्छा बना सकते हैं, जिससे हमें अच्छे मार्क्स में मिल सकते हैं, कंप्लीट मार्क्स में मिल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था एक छोटा सा पोस्टर जो वास्तव में मतलब ऐसे दिखने में जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है थोड़ा टफ है, लेकिन वास्तव में जब लिखते हैं तो वास्तविक टफ नहीं है। भी कुछ नहीं करना यार, हमको सबसे पहले ये करना है, ये कर दिया हमने। क्लियर? फिर हमने भी जैसे विजुअल है तो जो भी ये चीज़ है उससे रिलेटेड हम कोई पिक्चर बना सकते हैं, बना लें, नहीं बना सकते तो लीव इट, विजुअल्स को छोड़ दीजिए। फिर वर्डिंग्स पे आ जाइए, उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित, कहाँ बात चल रही है, लड़कियों पे बात चल रही है, लड़कियों से संबंधित, ये भी लड़कियों से संबंधित, डॉटर्स लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों से संबंधित, डॉटर्स लड़कियाँ, लड़कियों से संबंधित, ही थिंक्स ही इज हीरो बट विदाउट हर ही इज हीरो, यहाँ पे भी लड़की की बात, न्यूरिश एजुकेटेड एंड लव द गर्ल चाइल्ड, लड़की की बात आ गई, इश्यू कौन कर रहा है, गर्ल्स है, तो सारा इसके अराउंड अराउंड रहेगा सारा का सारा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। चलिए एक और ले लेते हैं अपन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रद्द करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज दूसरा इसका। एक पोस्टर लिखें किसके लिए, अवेयरनेस अगेंस्ट
बैग्स यूज होते हैं उनके खिलाफ क्या करने के लिए, उनके विरुद्ध जागरूकता का फैलाने के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हमको अल्टरनेटिव भी बताना है कि भाई अब पॉलिथीन यूज नहीं करें तो क्या करें, तो जो सामान वगैरह रखना है तो हमको कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, तो भी जब पॉलीथीन का यूज़ बंद करें तो उसके बजाय हम यूज क्या करें वो भी हमको बताना पड़ेगा। ये तो हम अगर लिख रहे हैं तो पढ़ने वाले लोग भी कहेंगे पागल हो गया है, ये रहेगा नहीं है। चलिए तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी हमको फॉर्मेट तो तैयार करना ही पड़ा। किस पे लिखवा रहा है यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स के खिलाफ कुछ करना है, तो हमें मतलब हम क्या कहते हैं कि ना यूज ना करें पॉलिथीन बैग्स का, सो से नो, क्या लिख सकते हैं हम से नो, से नो। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ से इधर कर लेते हैं इनको से नो। अब किसको नो करने की बात चल रही है यहाँ पे पॉलीथीन बैग्स की, किसकी बात चल रही है पॉलीथीन बैग्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटल में करके और बोल्ड कर देते हैं पॉलीथीन बैग्स, क्लियर है जी। यहाँ हम इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, तो कैपिटल तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया, इसको कर देते हैं और है पॉलीथीन बैग्स। चलिए से नो टू पॉलीथीन बैग्स। एंड बी इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली इनको यूज नहीं करें और इको फ्रेंडली बने हम, क्या बने इको फ्रेंडली बन जाए। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जैसे भाई वो बैग का जो चित्र सा होता है वो हम बना देंगे, क्लियर है कि नहीं है। तो बैग का चित्र हम कैसे बनाएं, बस बना सकते हैं हो गया है बैग, ये क्या है ये पॉलीथीन बैग है, तो इससे हम क्या करते हैं यहाँ लिख भी देते हैं पॉली बैग्स, और इसको कर देते हैं हम क्रॉस, क्या कर देते हैं इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि इनका यूज आपको करना ही नहीं है। ये देखिए नंबर क्रॉस का थोड़ा सा ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इनका तो यूज होना ही नहीं चाहिए। अब ठीक है इनका यूज नहीं करें तो फिर क्या करें भैया, तो यहाँ हम लिख देंगे यूज क्या यूज किया जाए, जूट बैग्स, जूट बैग्स भाई जूट के बैग होते हैं ना वो जो मतलब सूतली जिसे हम बोलते हैं ना उसके बैग हैं वो यूज किए जाए, ठीक है। उसके अलावा जो पेपर बैग्स जो कागज के बैग आते हैं
उनका यूज किया जा सकता है, जूट बैग का यूज किया जा सकता है, पेपर बैग का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और क्लॉथ बैग्स, यानी हम जूट बैग, क्लॉथ बैग, पेपर बैग, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ें और इनका हम यूज करें, ठीक है। फिर हमें करना क्या उसके लिए, डिस्करेज डिस्करेज प्लास्टिक जहां तक प्लास्टिक की। अब यानी यहाँ पे हमें जो चीज मुख्य दिखानी है उसको कैपिटल में लिख दीजिए, जैसे इसको मैंने कैपिटल में लिखा, फिर इसको स्मॉल में कर दिया, इसको कैपिटल में लिखा, इसको कैपिटल में लिखा, इसको कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि क्या करना है, डिस्करेज इसको करना है, प्लास्टिक के बर्तन जो यूज किए जाते हैं उनको डिस्करेज करना है, क्लियर है। चल ये भी हो गया, फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा बोल्ड लेटर से लिख देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, जैसे जैसे लिखता हूँ सेव योगा, सेव योगा, अपना बचाएं, क्या बचाएं, अपना अपना एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट को बचाएं, अपनी हेल्थ को बचाएं। तो यहाँ पे इसी के सामने सेव योर एनवायरमेंट, पहली चीज अपना पर्यावरण बचाएं, पहली चीज क्या बचाएं, अपना पर्यावरण बचाएं, और दूसरी चीज अपना क्या बचाएं भाई, फ्यूचर बचाएं। इन चीजों को आपको क्या करना है, बचाना है, इन चीजों को आपको बचाना है, ठीक है। फिर लिख देते हैं हम प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी, एनवायरनमेंट को बचाओ और क्या रहो, स्वस्थ रहो, एनवायरनमेंट की रक्षा करो और क्या रहो, स्वस्थ रहो, क्लियर है। चलिए उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बैग होते हैं प्लास्टिक, इनको दबाते हैं तो उनसे क्या होता है, उनसे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। डंपिंग पॉलीबैग्स पोल्यू एनवायरमेंट, कि हम अगर जो पॉलीबैग्स हैं इनको डंप करते हैं, इनको दबा देते हैं, तो उनसे हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या होता है, पोल्यूट होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक। अगर हम इसे जलाते हैं बर्निंग कॉजेस एयर पोल्यूशन, अगर हम जलाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है, उससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन, यानी कि हर हालत में यहाँ पे आपको
जब इसको यूज करने के लिए मना कर रहे हैं, तो जो भी पॉइंट लिखेंगे हम सारे ऐसे लिखेंगे जो प्लास्टिक बैग्स के, पॉलीथिन बैग्स के खिलाफ हो, प्लास्टिक के खिलाफ हो। तो ये भी है कि भाई अब हर मैटर में, मतलब हर मैटर में गलत होते हैं। जैसे देखिए अब हम इसको दबाते हैं धरती में, तो भी एनवायरमेंट हमारा, फेंक देते हैं कहीं भी दबा देते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। जलाते हैं तो उससे हमारी एयर पोल्यूट होती है, ठीक है। और इसमें मिले जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे लिए लंग्स के कैंसर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो हमारे लंग्स का, लंग्स का जो कैंसर होता है उसको भी बढ़ाते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स कॉज लंग्स कैंसर। मिले हुए जो मिश्रित जो केमिकल्स होते हैं वो फेफड़ों में कैंसर बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये हर मैटर मैनर में हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक के जो बैग्स हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनका यूज नहीं करें, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसके बाद में इश्यूड किसने किया वो इश्यूड वाला हम लिख देंगे, बात खत्म। और अपना ये पोस्टर भी खत्म। जैसे कोई पर्सनल किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका लिख देते हैं, इसको सामने सामने तो नहीं लिखा जाता है, इसको बोल लिखना होता है। ये हो गया भैया, और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसने लिखा है इको क्लब के जो सचिव है उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा के, क्लियर। अब यहाँ हम एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पोस्टर तैयार कर रहे हैं लगभग 50 शब्दों में, इसलिए तैयार कर रहे हैं तो लोगों को जो पॉलीथिन बैग को यूज कर रहे हैं उसके खिलाफ उनमें जागृति पैदा करने के लिए हम ये कर रहे हैं, जागरूकता उनके अंदर इसके खिलाफ पैदा करने के लिए हम ये कर रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया ये जो लोग हैं जितना हो सके उतना कम से कम इनका यूज करें, इनका पॉलीथिन बैग्स का कम से कम यूज करें इसके लिए। तो अब हमको स्टार्ट करना है, क्या करने में पॉलीथिन के लिए मना करना है कि पॉलीथिन के जो बैग्स हैं वो यूज ना करें। से नो टू, ना कहिए किसको, पॉलीथिन बैग्स, पॉलीथिन बैग्स को ना कहिए, मतलब इनको यूज नहीं करें। एंड बी इको फ्रेंड, और नेचर मित्र, नेचर के, नेचर के साथ में मित्रवत बनिए। अब ठीक है भैया ये चीज़ हो गई, आपको ये तो कह दिया इन्होंने कि भाई आप ये यूज मत करो, ठीक है भैया हम नहीं करेंगे। लेकिन अब ये तो है नहीं ना कि भाई हम कहीं सामान वगैरह लेने जाएं तो उसको झोले में डाल के लाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, यूज क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम यूज जूट बैग्स कर सकते हैं, जो ऊन वाले बैग, सॉरी वो सूतली वाले बैग होते हैं वो यूज कर सकते हैं। पेपर बैग्स, आजकल कागज़ के बैग चल रहे हैं मोस्टली, ब्राउन वाइट जो भी है वो यूज कर सकते हैं हम। कपड़े के बैग, घर से कपड़े का बैग भी ले जा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें तो हमें करनी है। डिस्करेज प्लास्टिक कंटेनर्स, और जितने भी प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको क्या करें, डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें कि उनका जो उपयोग है वो कम से कम हो। सेव यूअर, अब ये करने से क्या होगा, ये करें और ये करके हम सेव कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फ्यूचर को। एनवायरनमेंट को बचाएंगे तभी हमारा फ्यूचर बचेगा, नहीं हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारा एनवायरनमेंट खराब है तो फ्यूचर 100% हमारा क्या है, खराब ही खराब है, 100% खराब है, हम उसे कहीं भी बचा नहीं सकते। फिर प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, स्टे हेल्दी, भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाओ और स्वस्थ रहो। फिर और भी इसके नुकसान बता रहे हैं, इसके और भी कुछ नुकसान हैं उनको भी यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं।
डंपिंग प्ले पॉली बैग्स पोल्यूट एनवायरमेंट। अरे भैया जो पॉलीथिन के बैग्स हैं वो हम दबाएंगे तो हम एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, एनवायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन, अगर हम कोशिश करते हैं कि इनको जला दें, जला भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें जलाते हैं तो उससे किसका खतरा रहता है, एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो मिले हुए केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो किसका कारण बनते हैं, लंग्स कैंसर, फेफड़ों में कैंसर का कैंसर का कारण बनते हैं। और नाक में इश्यू किसने किया, क्लियर है कि नहीं? तो ये था हमारा आज का टॉपिक पोस्टर। और आज हमने दो पोस्टर पढ़ लिए हैं, सेव गर्ल चाइल्ड एंड से नो टू द पॉलीथीन बैग्स। तो दो चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं, और ये जो दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, आशा करता हूँ मैं कि आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी डाल सकते हैं, आपको वहाँ से पूर्णतया समाधान प्रदान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।